हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। ये हम आलू स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे, तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने 6 पीसेस ब्रेड के ले लिए है, वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। बेसन लिया है 1 कप, 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिसे हमने बॉयल कर लिया है, पील कर लिया है, 1 छोटे साइज़ का प्याज फाइन चॉप कर लिया है, हरा धनिया फाइन चॉप कर लिया है, ये ग्रीन चटनी पुदीने की, और ये हमने सॉस लिया है, ये हमने लिया है ब्रेड पर लगाने के लिए, और रोस्टेड जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधी छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, और चाट मसाला आप इसकी जगह अमचूर भी ले सकते हैं, मैंने चाट मसाला लिया है आधी छोटी चम्मच, और 2 हमने हरी मिर्ची कट कर ली है, और ये हमने लिया है ब्रेड पकौड़ा फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है। इन सब की मेजरमेंट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट कुकिंग विथ रेखा। तो फ्रेंड्स, एक हमने बाउल ले लिया है, सबसे पहले इसमें डाल देंगे हम ये जो हमने बेसन लिया है ये, और बेसन के साथ हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा बचा लिया है, थोड़ा ही डाला है। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, और बाकी हमने स्टफिंग के लिए रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रहे हैं हम, और लाल मिर्ची पाउडर, और नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, और बाकी जो नमक है वो हम रखेंगे स्टफिंग के लिए। और अब हमें इसका बैटर तैयार करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ हमने सारा पानी नहीं डालना है क्योंकि लम्प्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा गीले मिक्सचर से, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें बाकी का पानी भी डाल देंगे, हमें इसका थिक मिक्सचर ही तैयार करना है। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, देखिए हमने थिक मिक्सचर तैयार किया है इस तरह का। इसके लिए बहुत ज़्यादा पतला मिक्सचर हमें नहीं चाहिए, तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करें, स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये आलू को कद्दूकस कर लेंगे, आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, मैश करने से थोड़ी सी गुठलियाँ रह जाती हैं, तो इसलिए मैं कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि कद्दूकस करने से इसमें गुठलियाँ नहीं रहती है। तो ये हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है, तो इसमें डाल देंगे हम ये कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, और ये जो मसाले हैं ये चाट मसाला, नमक, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, और बस इतने ही मसाले डालने हैं, और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम ब्रेड के पीसेस में चटनी लगा लेंगे, एक ब्रेड में हम लगाएंगे हरी चटनी और एक में हम लगाएंगे सॉस। तो फ्रेंड्स, ये हरी चटनी हमारी लग चुकी है ब्रेड पर, तो अब हम लगाएंगे सॉस। फ्रेंड्स, एक ब्रेड पे हमने लगाई है हरी चटनी और एक पे हमने लगाई है सॉस, तो इसमें हम डाल देंगे स्टफिंग, जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई थी ये हम इसमें लगा देंगे। तो ये हमारी स्टफिंग इस पर इस तरह से लग चुकी है, हमने अच्छी तरह से फैला दी है, इसके ऊपर डालेंगे हम ये जो सॉस वाली ब्रेड है, अच्छी तरह से प्रेस करना है हमें, और प्रेस करने के बाद हम इसके पीसेस कट कर देंगे इस तरह से, और इसी तरह से हमने सारे पीसेस रेडी कर लेने हैं। ये हमारे, ये देखिए आलू स्टफ ब्रेड पीसेस रेडी है,
अब इसके बाहर करनी है हमें बेसन की कोटिंग और उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम करेंगे ब्रेड पकौड़ा फ्राई। ये हमने बेसन ले लिया है, आप देख सकते हैं ये बेसन है। इस बेसन में हमें इस तरह से डिप करना है पीस को। ये जो हमने ब्रेड का पीस लिया है, इस तरह से आप ध्यान से देख लीजिए, पहले इस तरह से इसके चारों तरफ बेसन की जो लेयर है वो चिपक जानी चाहिए, इस तरह से, इस तरह से। और उसके बाद हमें इसे फ्राई करना है और हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। जब हमें लगेगा एक साइड से फ्राई हो चुके हैं तो हम दूसरी साइड को इसे पलट लेंगे। तो बेसन में हमें हल्का सा लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देना है, बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये हमारे ब्रेड पकौड़ा फ्राई हो चुके हैं, इसे हम निकाल देंगे किचन टॉवल पर। और इसी तरह से हमने सारे जो ब्रेड पकौड़ा है फ्राई कर देने हैं, बिल्कुल सेम। ये देखिए इस तरह से बनाए ये। तो फ्रेंड्स ये हमारे ब्रेड पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बने हैं ये काफ़ी। और आप इसे बनाकर ट्राई कीजिए। इसे मैंने सर्व किया है चटनी के साथ और सॉस के साथ और साथ में गर्मा गर्म चाय के साथ। बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पकौड़ा और चाय सभी घरों में बनते हैं, तो आप ट्राई कीजिए इस तरह से ब्रेड पकौड़ा। और यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपीज़ की जानकारी आप तक आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।